हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे साथियों। देखिए हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं श्री भारतीय इतिहास का सभी कक्षाओं के लिए, तो आज की कक्षा रहेगी यानी कि जो भी कक्षाएं आने वाले समय बैक टू बैक और डेली बने रही हैं। और ये जो कक्षाएं हैं आपके लिए, कोई सा भी एग्जाम जिसमें भारतीय इतिहास, रेल, SSC और भी जो की अखबार, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और एक एक चीज़ को आप ध्यान पूर्वक समझते चलिए, पढ़ते चलिए और जुड़े रहिए भाई डीजे सर क्लासेस के साथ। चलिए हम देखने जा रहे हैं भाई क्या क्या है, किस तरीके से हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, प्रकार से पढ़ना है। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं कि भारतीय इतिहास की बात करने जा रहे हैं, भारतीय पहले तो हम इतिहास की बात करेंगे। किस बात करेंगे? इतिहास की बात करेंगे, इतिहास की। इतिहास की बात करें, इतिहास का जो जनक है प्यारे दोस्त, इतिहास का जनक का, इतिहास का जनक, इतिहास इतिहास का जनक को माना जाता है भाई हेरोडोट्स को माना जाता है। हेरोडोट्स को माना जाता है हेरोडोट्स को। भारतीय इतिहास की बात करें, वेद व्यास को माना जाता है। भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास के जनक की बात करें तो माना जाता है, माना जाता है वेद व्यास को माना जाता है। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही वेदों का संकलन किया गया था और वेद प्रथम पुस्तक मानी जाती है जो संकलित किए गए। और राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास इतिहास का जनक ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। तो माना जाता है कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है, माना जाता है कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। ये हो जाएगी भाई। नेक्स्ट बात करते हैं क्या शब्द का, बात करें इतिहास, इतिहास 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 शब्द बना है भाई। बात करें ये शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है, शब्दों से मिलकर बना है, तीन शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस प्लस आश से मिलकर बना है भाई। इसका मतलब होता है इस प्रकार प्रकार क्या शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? इतिहास शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है, और तीन शब्द कौन कौन से हैं वो देखे, इति प्लस ह प्लस आस ठीक है। इसका मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में या निश्चय ही इतिहास ठीक है। और बात करें किसी घटना का घटित होना, क्या होता है इसका मतलब, किसी घटना का, घटना का घटित होना, अर्थात हम बात करें तो इतिहास का अर्थ लें या इतिहास का शाब्दिक अर्थ लें तो किसी घटना का वास्तव में, इस प्रकार किसी घटना का वास्तव में घटित होना या निश्चित घटित होना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? इतिहास कहलाएगा। इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा, तो इतिहास की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हम बात करें, बात करें भाई
यहाँ पर जो जानकारी मिलती है, तीन भाग की बात करते हैं। देखिए कौन कौन से, एक तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, दूसरी बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरी बात करें ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो यहां पर किसे कहें प्रागैतिहासिक काल, किसे आद्यतिहासिक काल और किसे कहें हम ऐतिहासिक काल, तो ये सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है। और ये हमें क्या क्या जानकारी मिलती है भाई, देखिएगा क्या क्या जानकारी मिलती है। चलिएगा प्यारे साथियों, तो यहां पर जो देख रहे हैं हम क्या कंडीशन है, तो यहां पर देखते हैं इस तरीके से इतिहास की बात करने जा रहे हैं। और इतिहास भी क्या करें पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भाग है, पहला भाग प्रागैतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल और तीसरा कौन सा आद्य ऐतिहासिक, ठीक है सॉरी आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये प्रागैतिहासिक काल किसे कहें, किसे कहें प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जिसके साथ से हमारे पास, ठीक है जिसके साथ से क्या लिखे नहीं है और जिनको जब लिखे ही नहीं तो पढ़ा भी नहीं जा सका। और इसे काल का पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य, ऐसे साक्ष्य भाई पुरातात्विक साक्ष्य है, ऐसे काल जिसके हमारे पास ना तो लिखा गया ना पढ़ा गया, जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा क्या जाएगा, तो ऐसे काल के हमारे पास कौन से साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य या तो पाषाण या किसी प्रकार के साक्ष्य है, अलग अलग जो साक्ष्य प्यारे दोस्तों के बारे में हम ध्यान देते। तो लिखा पढ़ा नहीं गया तो ऐसे काल को हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। दूसरी बात करें, दूसरा जो नंबर आता है प्यारे दोस्तों वो किसका आता है, आद्य ऐतिहासिक काल का। और आद्य ऐतिहासिक काल कैसे कहें, जिसके बारे में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, लिखा तो गया है लेकिन जिसे पढ़ा नहीं जा सका, इसे क्या पढ़ा नहीं गया, क्या लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया, ऐसे काल को क्या कहेंगे प्यारे साथियों, हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे, जिसमें आपकी सभ्यताएं शामिल कर, क्या इसमें आपकी सभ्यता शामिल होती है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी घाटी सभ्यता शामिल होती है, सभ्यता शामिल होती है सिंधु घाटी सभ्यता इसी काल में ली जाती है। यहाँ का जो मानव देखा जाए तो यहाँ का जो मानवता प्यारे दोस्तों ये कैसा मानवता, एक प्रकार से इधर देखा जाए तो मानव की दृष्टि से देखा जाए तो मानव जो देखने को मिलते हैं और वो कैसा मानवता, यहाँ के जो मानव देखने को मिले प्यारे दोस्तों वो जर्जर यानी कि जंगल में निवास किया करता, कहाँ निवास किया करता था, जंगल में निवास करता था, पेड़ पौधों पर रहा करता था, कंदमूल फल खाया करता था, मांस खाया करता था, यहाँ पर समूह का विकास नहीं हुआ था, अर्थात मानव भी जानवर की तरह जीवन यापन किया करता था इस काल, ठीक है। धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ी, धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ा, आद्य ऐतिहासिक काल में जो देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी पाषाण युक्त का प्रयोग किया जाता, यहाँ पर बड़े पाषाण युक्तों का प्रयोग किया जाता, इसे बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता अपने हथियार बनाने के लिए, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया करते इस काल में। इस काल में देखा जाए तो यहाँ पर उसकी अपेक्षा छोटे पत्थर हो चुके, इसका प्रयोग करता मानव छोटे पत्थरों का उपयोग करता, और कहा जाता है कि यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा, छोटे पत्थरों के साथ साथ कहा जाता है सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है इसे, या माइक्रोलिथिक कहा जाता, माइक्रोलिथिक का प्रयोग इस काल में होने लगा था, उस काल में हुआ था आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ होने लगा था माइक्रोलिथिक, जो पाषाण पत्थर के औजार है या हथियार है उनका प्रयोग होने लगा था।
नेक्स्ट बात करें ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है ठीक है, और जिसे पढ़ा भी गया, क्या पढ़ा भी गया है ठीक है, अर्थात ऐसा इतिहास जिसके बारे में लिखा भी है पढ़ा भी है और इसके साक्ष्य भी पर्याप्त मिलते हैं हमें, पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं और लेखन तरीके से, अर्थात ऐसा काल जिसे लिखा गया है पढ़ा गया है जिसे वर्तमान इतिहास भी हम कहते हैं, और इसके हमारे पास कई प्रकार के साक्ष्य या अभिलेख है, ग्वाल अभिलेख है, और भी कई प्रकार के साक्ष्य हमारे पास विद्यमान है प्यारे दोस्तों, और इनके द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है ऐतिहासिक काल की। मानव में कहा जाता है कि यहाँ पर समूह के रूप में निवास करने लग गया था, और समूह के रूप में रहते रहते कहा जाता है यहीं पर पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था यहाँ पर, पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ था, पहिए का आविष्कार इसमें हुआ था, यहाँ पर लोगों ने पहिए को आविष्कार कर लिया था, कई प्रकार की गाड़ियां सभ्यताओं से देख, ये तो इस कारण इसका पहिए का आविष्कार हो गया था, आग का आविष्कार हो गया था, धातु का प्रयोग करना सीख गया था मानव, का धातु का प्रयोग करना सीख गया था। सर्वप्रथम जो मानव के द्वारा खोजी गई धातु है वो है तांबा, कौन सी है, सर्वप्रथम जो मानव के द्वारा खोजी गई धातु है वो है तांबा, और उसके पश्चात बात करें तो यहाँ पर क्या पशुओं को पालतू बनाया जा सकता, क्या बनाया जा चुका था, पालतू पशु बनाया जा चुका था, पर पशुओं में बात करें कौन से पशु को सर्वप्रथम, कुत्ते को पालतू बनाया, तो बनाया गया कुत्ते को पालतू बनाया गया, और यह जानकारी हमें यहाँ से मिलती है आते ऐतिहासिक काल से, जहाँ पर समूह में निवास करने लग गया था, गाँव में रहने लग गया था, घर बनाकर रहने लग गया था मानव, और समूह में निवास करने वाला मानव हो गया था वो। तो ये जानकारी हमें मिलती है इस इतिहास से, अर्थात ये देखा जाए तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में क्या पढ़ा हमने, ऐसा इतिहास जिसके बारे में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, जब लिखित नहीं मिलते तो पढ़ा भी नहीं जा सकता उनको, ऐसे इतिहास के हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते, कैसे मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, प्राचीन ज्ञात करते हैं। याद देखिए तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ने की में किसी ने सफलता हासिल नहीं की, अर्थात यहाँ पर जानकारी हमें लिखा हुआ तो है इतिहास, लेकिन इसको पढ़ कोई नहीं पाया है। और देखिए तो ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, क्या जानकारी मिलती है भाई, इसे पढ़ा भी गया लिखा भी गया और यहाँ पर साक्ष्य भी पर्याप्त मौजूद है, इसे वर्तमान इतिहास भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वर्तमान इतिहास भी कहते हैं। चलो तो आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर ये तो इतिहास की बात हो जाती है, इतिहास किस प्रकार से अस्तित्व में आए, किस प्रकार से भाई यहाँ पर कई सारे विद्वानों ने अलग अलग समय बताया, अलग अलग क्या बताया, और देखा जाए तो इसे प्राचीन भारत इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से भागों में और बांटा जा सकता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इतिहास को तीन भागों में और बांटा जा सकता है, प्राचीन भारत ठीक है, आधुनिक मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये पढ़ने की दृष्टि से। इसी श्रेणी में हम बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर एक टॉपिक लेते हैं, टॉपिक कौन सा, मौर्य काल के बारे में आज पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इतिहास की सामान्य जानकारी कर ली हमने, सबसे पहले हम बात करते हैं, बात करने मौर्य काल की, किसकी बात करने जा रहे हैं, मौर्य काल की जानकारी हम प्राप्त करने जा रहे हैं। चलिए अब मौर्य मौर्य काल की हम जानकारी प्राप्त करेंगे पहले दोस्तों आज यहाँ से, मौर्य काल का जो शासन काल माना जाता है, वैसे देखा जाए तो इसका जो समय माना जाता है 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है, इसका समय माना जाता है 323 ईसा पूर्व से 185 पूर्व माना जाता है ठीक है, तो इसका जो समय मौर्य काल का माना जाता है वो 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका समय। अब मौर्य काल से पहले हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करनी है, जानकारियां क्या होगी भाई इसके बारे में हम, मौर्य काल पढ़ने तो वाले हैं,
अब मौर्य काल से पहले उसकी जानकारी हमें पढ़नी पड़ेगी। देखिएगा यहाँ पर एक साम्राज्य हुआ करता था मगध का, मगध कौन सा भाई, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। और इस मगध साम्राज्य में एक वंश था जिसका नाम था नंदवंश, वंश नंदवंश। मगध साम्राज्य में कौन सा वंश था भाई, नंदवंश, कौन सा, नंद वंश। और इस नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मव, स्थापना की बात करें इस नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने, की थी महापद्म नंद ने, की थी महापद्म नंद के द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है महापद्म नंद की। इसका अंतिम जो शासक माना जाता है, इसका अंतिम शासक कौन भाई, अंतिम शासक जो माना जाता है वो था घनानंद, था घनानंद, कौन था भाई, इसका अंतिम शासक जो माना जाता है, किसका, नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है किसको, घनानंद को माना जाता है भाई, घनानंद को अंतिम शासक मान लिया जाता है। अब घनानंद अंतिम शासक था तो कहा जाता है ये मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य में कौन सा, नंदवंश, नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की गई, और इसका अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद अपने राज दरबार में व्यस्त था इसी समय, ठीक है, इस समय प्यारे दोस्तों घनानंद के टाइम पर, कब, घनानंद के टाइम पर ही एक आक्रमण हुआ था अलेक्जेंडर का, क्या भाई, या मकदूनिया का शासक अलेक्जेंडर, किसकी बात करें, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर,
हाँ तो मेरे दोस्तों क्या देख रहे थे, अलेक्जेंडर किसकी बात कर रहे, अलेक्जेंडर की किसकी बात कर रहे अभी, अलेक्जेंडर कहाँ का शासक, मकदूनिया, मकदूनिया का शासक था फिलिप द्वितीय, कौन था भाई, मकदूनिया का शासक था फिलिप द्वितीय, कौन, फिलिप सेकंड था भाई, फिलिप सेकंड मकदूनिया का शासक, कहाँ का, मकदूनिया, कहाँ का शासक था, मकदूनिया, मकदूनिया का शासक, ठीक है, मकदूनिया का शासक था फिलिप द्वितीय, और फिलिप द्वितीय के एक पुत्र था, कहा जाता है कि ये फिलिप द्वितीय का नाम अंतिम समय चल रहा था, का एक पुत्र था, उसका पुत्र का नाम क्या था भाई, अलेक्जेंडर, क्या, अलेक्जेंडर, और इसी को क्या कहा जाता है, सिकंदर, क्या कहा जाता है, सिकंदर, अलेक्जेंडर को क्या कहा जाता है, सिकंदर, ये फिलिप द्वितीय अपने अंतिम समय से गुजर रहा था, क्या, अंतिम समय से गुजर रहा था, और अंतिम समय से गुजर रहा था, कहा जाता है ये बेड पर लेटा ही हुआ था, कौन, फिलिप द्वितीय बेड पर लेटा हुआ था, तो अंतिम समय में कहाँ बगेगा डोलेगा थोड़ी, तो यहीं पर बेड पर लेटा हुआ था, एक दिन के पुत्र किसको बुलाता है, इसके पुत्र किसको बुलाता है, इस अलेक्जेंडर को बुलाता है, बेड पर लेटा हुआ था, और इसको बुलाता है कि भाई बात ऐसी है कि मेरा एक सपना था, कि मेरा एक सपना था, और सपना क्या था, सपना ये था कि मैं पूरे विश्व को विजेता बनना चाहता, विश्व का विजेता बनना चाहता था, लेकिन मैं तो नहीं कर पाया इस काम को, लेकिन तेरे को करना है, तो ये किससे कहता है भी? ये इससे कहता है, ये अलेक्जेंडर, अर्थात तेरे को क्या करना है, विश्व विजेता बनना है, तो ऐसी बात किसके दिमाग में किसने डाली, इसके पिता ने, इसके पिता कौन थे, अलेक्जेंडर के कौन थे, ये पिता, इसके पिता थे, इसके पिता, और इसके पिता कौन थे, ये फिलिप, कौन थे, फिलिप, और फिलिप द्वितीय ने कहा जाता है, किससे कहा, ये अलेक्जेंडर से कहा, किससे कहा, अलेक्जेंडर से कहा या सिकंदर से कहा कि तेरे को क्या बनना है, तेरे को विश्व विजेता बनना है, क्या बनना है भाई, विश्व विजेता बनना है, क्या बनना है, विश्व विजेता बनना है, ठीक है भाई, तो इसके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि मुझे विश्व को फतेह करना है, विजय प्राप्त करनी है, विश्व विजेता बनना, तो इसी के चलते हुए कहा जाता है कि ये आक्रमण करता है किधर, फिलिप द्वितीय यहाँ कहाँ का, मकदूनिया का शासक हुआ करता था फिलिप द्वितीय, जब इसी मर जाता है तो कौन शासक बन जाता है, अलेक्जेंडर शासक या सिकंदर शासक बन जाता है, सिकंदर शासक बनने के बाद ये किस पर आक्रमण करता है भाई, भारत पर आक्रमण, कहाँ पर, भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण करने के पश्चात ये सबसे पहले कहा जाता है कि यहाँ के कहाँ के तक्षशिला, यानी कि तक्षशिला, तक्षशिला का शासक था आम्बी, कौन था, इनके बीच एक युद्ध पहले भी होता है, और पहले कौन सा होता है कि यहां पर कहां पर प्यारे दोस्तों, झेलम नदी के तट पर कहा जाता है कि ये राजा पोरुष ने एक जो आक्रमण क्या करता है, ये जाकर यहाँ पर तक्षशिला के पास जाता है, कहाँ, तक्षशिला के पास जाता है, और तक्षशिला का शासक था आम्बी, कौन था, कौन था, आम्बी, ये इसके अधीनता स्वीकार कर ले, कौन, ये आम्बी यहाँ का शासक था, कहाँ का, तक्षशिला का, क्या था, ये शासक था, और शासक किसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, आम्बी की, किसकी, सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, आम्बी इसकी सिकंदर के अधीनता स्वीकार कर लेता है, किसकी, सिकंदर
अधीनता स्वीकार कर लेता है, क्या कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है और इसका साथ देता है, किसका, सिकंदर का साथ देता है, का सिकंदर का साथ देता है। अब कंडीशन ये भाई, सिकंदर आम भी इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, सिकंदर अधीनता स्वीकार कर लेने के पश्चात इसका साथ देता है, किसका, सिकंदर का। ये जहां जहां जाता तो आगे आगे रस्तों का निर्माण करवाता हुआ कौन चला जाता, आम्बी, कौन, आम्बी। और इसके ऊपर आक्रमण करने तो आया था, लेकिन कहा जाता है कि भाई साहब मैं आपसे लड़ने वाला कौन, और मैं तो आपका शरणागत हूँ, मुझे शरण में ले लो, आप कहोगे जैसे मैं कर लूंगा। ये आम्बी क्या है, शरण में आ जाता है किसकी, पश्चात कहा जाता है कि ये जो आक्रमण करता है कौन, प्यारे साथियों, ये जो आक्रमण करता है तो जहां पर दो नदियां हैं, कौन, ये एक नदी तो ये और एक नदी इसके नीचे, ठीक है, और इन्हीं के मध्य ये नदी है, ठीक है, एक तो चिनाब नदी, एक जेलम नदी, एक तो चिनाब नदी और एक खेलम नदी, खेलम नदी, और इन दोनों के बीच में साम्राज्य हुआ करता था, पुरु राज्य का, पुरु राज्य, कौन सा राज्य हुआ करता था, पुरु राज्य, और पुरु राज्य का शासक था यहाँ पर पौरुष, कौन था, पौरस, कौन था भाई, यहाँ का शासक था पौरस, ठीक है। और ये इधर से आता है कौन, सिकंदर, कौन आता है इधर से, सिकंदर, तक्षशिला पर विजय प्राप्त करी ली थी इसने, इधर से आता है कौन, पौरस, ये सिकंदर आता है, सिकंदर इसे एक नदी पर पुल बनाकर यहाँ से सेना पार करके कहाँ चली जाती है, यहाँ पर पुरु राज्य पर आक्रमण करने के लिए चली, इस पुरु राज्य का राज जो शासक था पौरस, और पौरुष के ऊपर कहा जाता है भयंकर आक्रमण होता है, इस आक्रमण के दौरान ही बारिश हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, इस आक्रमण के दौरान ही बारिश हो जाती है, और बारिश हो जाने के साथ ही क्या होता है, बारिश हो जाती है, बारिश आ जाती है इस आक्रमण के दौरान, जब बारिश आई, बारिश आते ही कहा जाता है कि इस युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, इस युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, रोक देने के पश्चात प्यारे दोस्तों तो ये अंत में ये पराजित हो जाता है, कौन पराजित हो जाता है, ये पराजित हो जाता है, कौन, पौरुष पराजित हो जाता है, कौन पराजित हो जाता है भाई, पौरुष पराजित हो जाता है, पौरुष पराजित हो जाता है, तो पौरुष को बंदी बना लिया, तो पौरुष को लाया जाता है किसके सामने, सिकंदर के सामने, किसके सामने, सिकंदर, सिकंदर के सामने किसको लाया जाता है, पौरुष को लाया जाता है, किसको लाया जाता है, पौरुष को, या पौरुष को लाया जाता है, और कहा जाता है जब ये पौरुष ने, यहाँ पर सिकंदर खड़ा है एक तरीके से, और एक तरफ कौन, पौरुष खड़ा है, ठीक है, एक तरफ सिकंदर और एक तरफ पौरुष, ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो सिकंदर कहता है कि पौरुष से कहता है कि बता कि तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, सिकंदर पौरुष से कहता है कि तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, और सलूक क्या किया जाए, कहा जाता है कि क्या सलूक किया जाएगा, सलूक क्या किया जाएगा, सलूक यही किया जाए कि जो विजित राजा पराजित राजा के साथ सलूक करता है वही सलूक किया जाए, तो उस जमाने में एक जो राजा विजय प्राप्त कर लेता था वो पराजित राजा को मार दिया जाता, मार दिया करता था, तो यही सलूक किया जाए। इन बातों से भाई इसकी कॉन्फिडेंटल बात सुनाई किसने, पुरुष ने, और जब कॉन्फिडेंस से बोला, कहा जाता है कि ये इससे बहुत प्रभावित होता है, कौन, सिकंदर, और इसका राज्य वापस लौटा देता है, क्या, इसका राज्य वापस लौटा देता है, किसका, पौरुष का, और यहाँ पर यहाँ से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो कहा जाता है कि आगे देखिएगा क्या कंडीशन होती है, व्यास नदी पर पानी आ रहा था, क्या आ रहा था भाई, पानी आया हुआ था, और उस समय ये सारे क्षेत्र किसमें, मगध में आया करते थे, किसमें आया करते थे भाई, व्यास नदी को पार नहीं करने के कारण सिकंदर वापस लौट जाता, क्या, व्यास नदी पर पानी आया हुआ था, पानी आने के कारण कहा जाता है इसकी सेना, सेना व्यास नदी, और इस व्यास नदी को भाई पार नहीं कर पाती, कौन सी नदी को, व्यास नदी, कौन सी नदी को, व्यास नदी को सेना पार करने से मना कर देती, सेना क्या करती थी, सेना
पार करने से मना कर देती है, ठीक है। और जिस नदी को पार नहीं कर पाती तो ये सिकंदर क्या करता है, वापस लौट जाता है। लेकिन जब इसका आक्रमण हुआ उस समय मगध का राजा कौन था भाई, वो था घनानंद। कौन था भाई? मगध का राजा था घनानंद। कौन था? मगध का राजा घनानंद था। मगध का राजा कौन था भाई? घनानंद था। और इस मगध में कहा जाता है कि सिकंदर आक्रमण करने वाला था, और सिकंदर आक्रमण करने वाला था तो कहा जाता है कि इस समय तक्षशिला, किसकी बात करें, तक्षशिला जो था आपके, तक्षशिला और तक्षशिला बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, इसका प्राचार्य था एक कौन, जहां का प्राचार्य था कौन भाई, आपका विष्णुगुप्त। कौन? विष्णुगुप्त, विष्णु गुप्त, इसी को क्या कहें, चाणक्य, क्या कहें, चाणक्य। इसका प्राचार्य तो था, और कहा जाता है कि यहां पर मगध साम्राज्य में कहा जाता है इसने काफी सारे टैक्स वसूल करना प्रारंभ कर दिया यहाँ की जनता से, इसने घनानंद ने, जो मगध का राजा था घनानंद, कौन था, घनानंद। इस घनानंद ने क्या किया, मगध की जो जनता थी उससे कई प्रकार के टैक्स घनानंद ने मगध की जनता से कई प्रकार के टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया था। घनानंद ने किया था भाई, घनानंद ने कई प्रकार के टैक्स लगा दिए थे, क्या लगा दिए थे, टैक्स लगा दिए थे किसके ऊपर, जनता के ऊपर। और जनता ने इसकी शिकायत किसके पास की, यहाँ पर तक्षशिला के प्राचार्य के पास, कि हम राजा जी के पास जाते हैं लेकिन राजा जी हमारी बातें नहीं मानते, हमसे सही तरीके से जवाब नहीं देते। और उधर सिकंदर ने आक्रमण किया था, जानकारी भाई ये चुपचाप बैठा बैठा देख रहा था, और सिकंदर के ऊपर आक्रमण किसने किया, मगध के राजा घनानंद ने नहीं किया, और उसने उसको पराजित ही कर दिया था, याद है आपको। इससे भी ये तक्षशिला का जो चाणक्य था ये दुखी था कि इसने, किसने, सिकंदर के आक्रमण का बदला नहीं लिया और आक्रमण नहीं किया, और आपको पता है कि जब इसके सामने नहीं गया तो ये इससे भी दुखी था, और दूसरी यहाँ की जनता इससे नाराज थी। अब क्या होता है भाई, होता ये है कि एक दिन जनता ने तो कहा, और ये एक दिन क्या, इस घनानंद की राज दरबार में जाने का सोच लेता है, किसके, मगध के दरबार, कहाँ पर, मगध का साम्राज्य, मगध का दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है भाई, ये राजा बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ है भाई, यहाँ पर ये राजा जी बैठे हुए बड़े से, यहाँ पर अट्टे कट्टे उल्लू की तरह, या राजा जी बैठे हुए, ये कौन है भाई, घनानंद, आपका कौन, ये घनानंद, घनानंद। ये घनानंद यहाँ पर अपने साम्राज्य में बैठा हुआ था, जब साम्राज्य में बैठा हुआ था, अपने राज दरबार में बैठा हुआ था, इसी तरीके से कि तक थोड़ा रास्ता होता है, यहाँ पर मेन दरवाजा था, बाउंड्री बनी हुई, और बाउंड्री में दरवाजा लगा हुआ था भाई बड़ा सा, ये दरवाजा, और इस दरवाजे पे कहा जाता है था बड़ा सा। अब इस दरवाजे पे कौन, द्वारपाल होगा, कौन होगा, द्वारपाल, और द्वारपाल होगा तो कहा जाता है कि ये कौन पहुंचे यहाँ पर, विष्णुगुप्त या चाणक्य कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पर तक्षशिला, यहाँ पर मगध पहुंचते हैं, और मगध के राजा घनानंद के यहाँ पहुंचते हैं, और घनानंद के यहाँ पहुंचने के बाद ये बढ़िया थे भाई, अट्ठे खट्टे उल्लू के पट्टे की तरह शानदार धनी लंबे चौड़े आदमी थे, और एक छोटे थे, और ये आ जाते हैं और कहते हैं आदमी के पश्चात ये किससे मिलने आए थे, ये मगध के राजा घनानंद से मिलने आए थे, और घनानंद से आए थे तो कौन, ये चाणक्य, कौन, चाणक्य कहाँ के, अर्थात ये तक्षशिला के एक प्राचार्य हुआ करते थे चाणक्य, इससे मिलने आते हैं, और मिलने आते हैं तो ये द्वारपाल से कहते हैं कि कहाँ है कि राजा, कि राजा अंदर मीटिंग में बीजिए, क्या मीटिंग में बीजिए, सुबह हो गई, सुबह से आए थे लगभग 10-11 बजे पहुंच गए थे, खाना खा पी के आए थे, और 11-12 बजे पहुंच गए, 11-12 बजे आने के पश्चात ठीक है भाई थोड़ी देर बैठो कि आप इंतजार करो, जैसे ही मेरा सूचना वहाँ पहुँचा दे, पूछा दी सूचना तो पूछा दी, लेकिन राजा जी ने कहा कि इंतजार करो, ठीक है कि कोई बात नहीं, कि बैठ जाते,
जब बैठ जाते हैं, बैठ जाने के पश्चात क्या कंडीशन होती है, कुछ समय बैठे, फिर थोड़ी देर बाद कहा कि भाई और इंतजार करो, थोड़ा और इंतजार करो। इस तरीके से शाम के लगभग 5 से 6 बजने को आ गए, लगभग दिन भर बैठे रहे, लेकिन शाम तक राजा का कोई फरमान अंदर से नहीं आया। तो नहीं आया तो ये गुस्से में लाल ताते हो जाते हैं, पहले इनकी चोटी नीचे थी लेकिन कहाँ हो जाती, ऊपर हो जाती, क्या ऊपर हो जाती है ये चोटी, पहले तो नीचे थी और इस चाणक्य की चोटी कहाँ ऊपर हो जाती है, और कहा जाता है पैर दोस्तों ये लाल ताते हुए इसमें प्रवेश करते दरवाजे में, इसके झांपट देते हैं इसके पीठ पाट के, इसको किसको यहाँ के द्वारपाल को, क्या हट साले अभी तक बावड़े बना रहा है मेरे को, और अभी तक राजा का कोई संदेश नहीं आया। और राजा के दरबार में देखा तो राजा के दरबार में जब अंदर जाकर देखा तो यहाँ पर नर्तकियां डांस कर रही थी, कौन नर्तकियां डांस कर रही थी, और राजा जी उधर हाथ में प्याला लिए हुए थे, और इधर ये नर्तकियां क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। जब ऐसा दृश्य देखा तो और आग बबूला हो गए, कौन इधर और आग बबूला हो गए, कौन चाणक्य, चाणक्य वो गुस्सा है साला हरामजादे की तेरे इंतजार में यहाँ बाहर बैठ कर रहा हूं, और जोर से चीखता चीखता किसके पास, किसके पास गया, किसके पास, ये चाणक्य, और ये इसकी चोटी, गुस्से में लाल हो रहा था आमने सामने कि तू कौन, कि तू, मैं कौन हूं, कि मैं तक्षशिला का प्राचार्य चाणक्य हूं, कि और ये तूने, तू तो रास रास आ रहा है साला अंदर बैठ के, अब मैं सुबह से आया हूँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ, बैठे बैठे भाई कोई मीटिंग में बिजी है, तो मीटिंग में किसी से इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होगी, तो ये कहा जाता है कि यहाँ से इसका अपमान कर दिया जाए, कि अरे क्या ऐसे गणे देखे तेरे जैसे पंडित है, ऐसे पंडित गणे देखे कि पकड़ो रे बंदी बनाओ, कि बंदी बंदी क्या बनाएगा, मैं तुम्हें दमदार हूँ कि है, तो बंदी तो बनाने नहीं दिया, और कि तू इस साम्राज्य पर पहले उससे बात की कि तूने जनता के ऊपर पहले तो कर क्यों बढ़ा रखा है उसको कम कर, और दूसरा कि वो सिकंदर आक्रमण कर रहा है तू चुपचाप मुंह में मुंह धर के क्यों बैठा है भाई, हाथ में हाथ धर के क्यों बैठा है, तेरे को नहीं सूझती के आक्रमण करने की है, और साला यहाँ लुगाइयों के साथ अय्याशियां कर रहा है कि तू इनके साथ रास रचा रहा है, और कहा जाता है ऐसी बातें किसने सुनाई, चाणक्य ने भयंकर तरीके से इसको सुनाया, तो ये भी नाराज हो जाता है कि ऐसे तेरे जैसे बहुत देखे, अगर भाग जाके तू यहाँ से निकल जाके गेट आउट फ्रॉम हियर, ठीक है, क्या कहता है ये गेट आउट फ्रॉम हियर, देख ले कि जिस साम्राज्य पर तू इतना गर्व कर रहा है उस साम्राज्य को मैं चकना चूर कर दूंगा, क्या देखे बहुत सारे पंडित तेरे जैसे। इस समय ये घनानंद किसका अपमान करता है भाई, चाणक्य का अपमान करता है, और यहीं पर ये अपनी शिखा की गिटान खोलते हैं और कहते हैं कि जब तक इस नंद वंश का विनाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा, चोटी का मतलब क्या है कि चोटी को नहीं बांधूंगा, और कहा जाता है पैर दोस्तों यहां से वापस कहाँ आ रहे थे, तक्षशिला कहाँ रहे थे, तक्षशिला आ रहे थे, गुस्से में तो थे सही, और कहा जाता है कि एक गांव से निकल रहे थे, कहाँ से, एक गांव के पास से निकल रहे थे, गांव से निकल रहे थे, और इस गांव में क्या देखा भाई, गांव में लोगों की भीड़ जमा थी, क्या लोगों की बहुत सारी भीड़ जमा थी, और इस भीड़ के अंदर कहा जाता है इस भीड़ पे देखा तो क्या था, यहाँ पर कई सारे लोग भीड़ जमा थी, लोगों की भीड़ जमा थी यहाँ पर, कहीं उस आश्चर्यचकित तो ऊपर सोचा कि क्या हो गया, यहाँ पर चाणक्य यहाँ से निकल कर जा रहा था, कौन निकल कर जा रहा था भाई, चाणक्य यहाँ से निकल कर जा रहा था, कौन चाणक्य है, यहाँ से निकल कर जा रहा था, इधर से देखा कि यहाँ भीड़ क्यों जमा हो रही है, तो इसने देखा कई सारी भीड़ लगी हुई, तो भाई भीड़ जाकर देखा एक खिलाड़ी अर्थात एक खेल करता खेल दिखा रहा था, खेल किसका दिखा रहा था, खेल दिखा रहा था कि इसके अंदर इस एक पिंजरा था, ये क्या था भाई, इस तरीके का एक पिंजरा बना हुआ था, क्या बना हुआ था, एक ये पिंजरा बना हुआ था, और इस पिंजरे के अंदर, इसके अंदर भाई पिंजरे के अंदर कौन बैठा होता, इस तरीके का एक पिंजरा बना हुआ था, चलो यहां पर एक पिंजरा बना हुआ था, क्या बना हुआ था भाई, पिंजरा बना हुआ था इस तरीके का, ठीक है, इस पिंजरे के अंदर, इस पिंजरे के अंदर कौन बैठा हुआ था, एक शेर बैठा हुआ था, क्या बैठा हुआ था भाई, एक शेर बंद कर रखा था, क्या बंद कर रखा था, एक शेर को बंद कर रखा था, क्या इस पिंजरे में एक शेर बना हुआ था, क्या भयंकर वाला शेर, तरीके से बड़ा सा शेर पिंजरे में बंद कर रखा था, और ये शेर इधर से दौड़ता हुआ इधर, ये शेर इस पिंजरे में बंद था, और इस शेर को देखा,
तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसने देखा किसने, चाणक्य ने, कि यहाँ तो कोई अच्छा सा खेल चल रहा है। तो चाणक्य भी देखने के लिए रुक जाते कुछ समय के लिए। तो पिंजरे में बंद था ये, शेर तरीके से पिंजरे में बंद था, ठीक है भाई, पिंजरे में ये शेर बंद था। पिंजरे में देखा तो शेर, यहाँ पर देखा, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, और ये खेल दिखाने वाला कह रहा था कि इस पिंजरे से, अर्थात बिना खेल खोले, इस पिंजरे को बिना खोले इस शेर को कौन बाहर निकाल सकता है। तो कहा जाता है कि सब लोग एक तरफ, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी का साहस नहीं होगा इस शेर को बाहर निकालने का। एक छोटा सा बालक जो 10 से 11 वर्ष का होगा, उसने कहा, हाथ खड़ा किया कि मैं निकाल सकता हूं, कि भाई साहब इसको, इस शेर को बाहर मैं निकाल सकता हूं। और इस बालक को जैसे ही देखा किसने, इस बालक ने जैसे ही इसको देखा, तो कि निकाल के दिखाओ, कि ऐसा कीजिए एक मशाल लाइए, इस मशाल को जला दीजिए। और इस मशाल को जलाया, और कहा जाता है इस मशाल को जला देने के पश्चात, देखिए क्या रहे दोस्तों, देखिए ये इस मशाल को जलाने के पश्चात क्या, इस मशाल को जलाने के पश्चात, और इस मशाल को, एक मशाल लाई गई, और इस मशाल को क्या किया गया भाई, ये मशाल लाई गई, इस मशाल को जलाया गया, मशाल को जलाया गया, ये जल रही है, इस जलती हुई मशाल को इस पिंजरे में प्रवेश कराता है। और कराने के पश्चात ये शेर मोम का बना हुआ था, इस कारण, इस गर्मी के कारण पिघल कर बाहर आ जाता है, और पिंजरा खाली हो जाता है भाई। क्या हो जाता है भाई, पिंजरा खाली हो जाता है, क्या हो जाता है, पिंजरा खाली हो जाता है, क्या हो जाता है, पिंजरा खाली हो जाता है। ये शेर, शेर को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ये इस शेर को क्या कर दिया इसने, उस मोम की, यानी कि उस, इससे पिघला कर, यानी मसाल के द्वारा इसको पिघला कर क्या किया, इस पिंजरे से इस शेर को बाहर निकाल दिया मोम के द्वारा पिघला कर। इस बच्चे का ये चातुर्य देखकर चाणक्य इससे प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, इस बच्चे से, और इस बच्चे से प्रभावित होता है, तो इस बच्चे को यहाँ से खरीद लेता है ये, और 1,000 कारसा पण में कर, 1,000 कारसा पण में खरीदता है भाई, 1,000 कारसा पण में इस बच्चे को खरीद लाता है। और ये खेलता राजकिलम खेल, कौन सा खेलता है ये, राजकिलम, कौन सा खेल, राजकिलम खेल था, कौन सा खेल था भाई, ये राजकिलम खेल के दौरान इस बच्चे को यहां से खरीद कर ले आता है, इसका चातुर्य देखकर ये खरीद कर ले आता है। कौन खरीद लाता है, 1,000 कारसा पण में एक शिकारी से खरीद कर ले आता है। कौन खरीद लाता है भाई, ये चाणक्य, और किसको आगे लाकर कहां पर एडमिशन दिला देता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में इसका एडमिशन करवाता है। और आज मुझे ये मिल गया कि ये आगे जाकर किसका, मगध का, यानी कि किसका, यहाँ पर मगध का आगे वाला साम्राज्य का शासक बनने वाला कौन है, ये बालक। कहा जाता है इसको बढ़िया शिक्षा दीक्षा दिलाता है, शिक्षा दीक्षा देने के पश्चात इसको हर रण क्षेत्र में सभी प्रकार से इसका कौशल, और इसका नाम था चंद्रगुप्त, क्या नाम था इस बालक का, चंद्रगुप्त, क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या नाम था भाई, इस बालक का नाम क्या था, इस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको कहाँ ले आता है, ये तक्षशिला ले आता है। और तक्षशिला लाने के पश्चात कहा जाता है कि ये इसकी तैयारियां करने लगता है, और तैयारियां करने के पश्चात इसको शासक बनाता है। किस प्रकार से शासक बनाता है भाई, यहाँ का जो शासक है, देखिएगा क्या कंडीशन होती है, यहाँ पर चाणक्य कहाँ से, चाणक्य, चाणक्य राजकिलम खेल से प्रभावित होकर, होकर चंद्रगुप्त मौर्य किसको, एक बालक को खरीदता है, जिसे आगे चलकर क्या, चंद्रगुप्त मौर्य को 1,000 कारसा पण में खरीदता है, 1,000 कारसा पण में खरीदता है भाई, 1,000 कारसा पण,
में खरीदता है, क्या करता है भाई, 1000 कार सपन में खरीदता है, ठीक है। और कहाँ ले आता है ये, तक्षशिला, कहाँ ले आता है इसको, तक्षशिला, तक्षशिला लाकर यहीं पर तक्षशिला में क्या करता है, एडमिशन करवा देता है। एडमिशन करवा दे के पश्चात इसकी शिक्षा दीक्षा होती है, क्या होती है, शिक्षा कहाँ पर होती है, तक्षशिला में, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ होती है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ होती है भाई, ये तक्षशिला में होती है, कहाँ होती है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में होती है। और इसको शिक्षित करता है, शिक्षित करने के पश्चात योग्य बनाता है, योग्य बनाने के पश्चात कहा जाता है कि अब कंडीशन ये होती है, कई बार ये धीरे धीरे, अब इसको तो योग्य तो बन गया, या अब आक्रमण करे तो कैसे करे, कहा जाता है घनानंद के पास बहुत बड़ी सेना थी, अब घनानंद को पराजित करना ऐसे आसान काम तो था नहीं कि जाए और पराजित करके वापस आ जाए। कहा जाता है प्यारे दोस्तों, पहले तो ये एक दूसरे राजाओं के पास इसने जा जाकर सेना एकत्रित की, चाणक्य ने, किसी से कितने, किसी से 1000 सैनिक मिलके, किसी से 5000, किसी से 10000, इस प्रकार से सेना एकत्रित की, एकत्रित की, और लगभग कहा जाता है इसके पास 1 लाख से भी अधिक सेना हो गई, नहीं कई सारी, 1 लाख से भी अधिक सेना हो गई थी। एक इतिहासकार तो कहते हैं इसके पास 5 लाख सेना, नहीं 5 लाख सेनाओं के साथ मिलकर इसने घनानंद को रौंद दिया, ठीक है प्यारे दोस्त। अब क्या कंडीशन होती है, कई बार ये आक्रमण करता है किसके ऊपर, किसके ऊपर, मगध के ऊपर आक्रमण करता है, किसके, मगध साम्राज्य के ऊपर कई बार आक्रमण करता है, और मगध साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करता है तो इसे सफलता नहीं मिलती, क्या सफलता नहीं मिलती है कई बार आक्रमण करने के बाद। जब देखा एक दिन ये चाणक्य, चाणक्य कहां पर, एक बस्ती में गया था, कहाँ गया था, बस्ती का मतलब चलते हो समझते हो, गांव में गया था, एक गांव में से होकर गुजर रहा था, एक गांव से होकर गुजर रहा था, गांव से होकर गुजर रहा था, तो एक माता, कौन, ये घर है, घर में माता, एक माता अपने बच्चे को चिलड़ा बनाती, चिलड़ा बनाकर दिया, ये प्लेट में चिलड़ा, और इधर ये बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, और ये चिलड़ा बनाकर किसने दिया इसको, माता ने इसको दिया, बच्चे को दिया, यानी कि पूरे टाइप चिलड़ा बनाकर दिया बच्चे। और इसी समय यहां से गुजर कर कौन जा रहे थे, चंद्रगुप्त और चाणक्य, दोनों यहां से गुजर कर जा रहे थे, चीलड़ा बनाकर दिया, तो कहा जाता है माता ने, इसकी माता ने कहा, उसने जैसे ही हाथ डाला तो बच्चा गरम गरम था भाई, वो बनाई रही थी, तो उसका हाथ जल जाता है बच्चे का, और बच्चे का हाथ जल जाने के कारण वो तुरंत चिल्लाने लगता है। तो ये माता इसको क्या बोलती है कि तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त और चाणक्य कर रहे हैं, तू भी वही गलती कर रहा है कि जो चंद्रगुप्त और चाणक्य कर रहे हैं, वहां खराब इस चाणक्य का, ये रुक गया वहां और सुनने लगा इस महिला की बातें, यहां से गुजर कर जा रहा था तो इस महिला की बातें क्या चाणक्य सुनने लगा कि भाई मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, क्या बात है मम्मा कि कौन सी गलती कर रहा हूँ मैं, कि ये इस चिलड़े को कि एक कोर कोर से खा, साइडों साइडों से खा, जिससे कि ये धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा और थोड़ा थोड़ा खा भी पाएगा तू, ठीक है, बीच में हाथ डालेगा तो जलेगा इसे, तो यही गलती चाणक्य कैसे कर रहा है, कि चाणक्य भी मगध पर, किस पर, तो मगध पर आक्रमण करता है, और नंद वंश पर आक्रमण करता है, और आक्रमण कहां पर, डायरेक्ट मगध पर, जो राजधानी है उसके ऊपर, पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण करता है, और धीरे धीरे आसपास से गांव जीतता जाए तो पूरे को धीरे धीरे हथिया सकता है। समझ में आया चाणक्य को कि भाई अपन को किस प्रकार से क्या करना है, आक्रमण करना है, तो इस महिला से सीख लेता है कि किस प्रकार से हमें आक्रमण करना है, किस प्रकार से नहीं करना, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, और इसके बाद भाई क्या करता है ये, घनानंद के ऊपर आक्रमण करता है, और घनानंद के ऊपर आक्रमण करने के बाद कहा जाता है कि मगध का क्या, मगध का क्या प्यारे दोस्तों, मगध साम्राज्य से घनानंद का आत्मा करता है, आक्रमण करता है, और किस सहायता से, ये चंद्रगुप्त की सहायता से, चंद्रगुप्त की सहायता से किसके ऊपर, घनानंद के ऊपर आक्रमण करता है, और ये घनानंद को पराजित करता है, किसको पराजित करता है, पराजित करता है, और करने के पश्चात मगध में किसका प्यारे दोस्तों,
मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना स्थापना चंद्रगुप्त, इसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कर दी जाती है। कब कर दी जाती भाई? 323, कब? 323 पूर्व में। तो घनानंद को खत्म करता है चंद्रगुप्त मौर्य, और मगध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा कर दी जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना कहां पर कर दी जाती है भाई? ठीक है, ये था आपका मगध साम्राज्य का सामान्य परिचय, और इसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य से आगे पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ये जोश और जुनून के साथ बने रहिए डीजी सर क्लासेस के साथ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्यारे दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दे, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूले। प्यारे दोस्तों, जोश और जुनून के साथ बने रहिए। नमस्कार।